नमस्कार। तुला राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि, सृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस बनाकर चलने वाली न्याय प्रिय राशि और तुला राशि के व्यक्ति बड़े संयम वाले और अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन वाले, अच्छे सही निर्णय लेने वाले होते हैं। दीपावली का समय तुला राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इनके लिए इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि इनके लिए मान सम्मान तथा नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ अच्छा दाम्पत्य जीवन तथा विदेश यात्रा के योग तथा कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएंगी। मैं क्रम से आपको बताऊंगा। जो क्रम होगा वो ग्रहों का क्रम होगा। एक एक क्रम को हम लेंगे और आपके राशि को इतनी अच्छी तरह से डिफाइन और माइक्रोफाइंड करने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो कि आपकी चरित्र में, आपकी लाइफ में, आपके व्यवहार में, आपके ग्रहों में दिखना भी चाहिए और आपको महसूस होना चाहिए कि तुला राशि वास्तव में मैं हूं। अर्थात आप ये महसूस करेंगे, प्राउड करेंगे, मेरी तुला राशि है और मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि का ये मास चल रहा है, तो कैसे मास चलता है? तुला राशि पर सूर्य जब आता है तो उसको सौर मास कहा गया है। सौर मास किसे कहते हैं? जिस दिन संक्रांति होती है तुला राशि पर, सूर्य का जो संक्रमण है 16 और 17 अक्टूबर को हर वर्ष आ जाता है। उस दिन सूर्य 1 डिग्री का होता है और लगभग 16 नवंबर तक 30 दिन तक सूर्य एक एक अंश भुगतता है। तो यह तुला राशि का मास है। लेकिन कुछ लोगों में कुछ दिक्कत और भ्रांति और कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात को लेकर के, उसको मैं क्लियर करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फोन और कमेंट आते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा कि 29 तारीख से, यानी कि 28 तारीख की पूर्णिमा थी चंद्र ग्रहण, 29 तारीख से कार्तिक मास शुरू हो गया है। तो लोगों को शंका पैदा हुई कि ये पंडित जी तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं उन सब लोगों के मन में से भ्रम और शंका पैदा कर जो हुई है उसे दूर करना चाहता हूं। देखिए, दो प्रकार से मास होते हैं, चांद्र मास और सौर मास। सौर का मतलब सूर्य, सूर्य का मास संक्रांति से चलता है और चांद्र मास जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ऊपर आधारित होता है। 29 तारीख को कार्तिक मास की प्रतिपदा जब शुरू हुई तो कार्तिक मास शुरू हुआ चांद्र मास के अनुसार। लेकिन उनके हिसाब से जो लोग ये समझते हैं कि ये सौर मास, तो कार्तिक मास 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका था, तो उनको बताना चाहूंगा चांद्र मास और सूर्य मास में आप दोनों अलग अलग देखिए। अपने ज्ञान में आप थोड़ा इजाफा कीजिए, उसको आप बढ़ाइए, अपडेट कीजिए। कुछ प्रांत ऐसे हैं, ज्यादातर पहाड़ी राज्य जो होते हैं, जैसे कि गढ़वाल है, उत्तराखंड है, उसमें गते चलते हैं, प्रविष्टे बोलते हैं, तो उनकी जो तिथि है, वो जो तारीख है, वो अंग्रेजी तारीख को नहीं याद रखते। पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, पूर्णिमा, द्वादशी को याद नहीं रखते, वो प्रविष्टे बोलते हैं, गते बोलते हैं। गते का मतलब इतने दिन बीत गए, किसके? सूर्य इस संक्रांति में आया था, इतने दिन बाद इसके है, इसको बोलते हैं गते। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका ये बात, किसी को पसंद आएगी, किसी को हजम होगी, किसी को नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों को उत्तर देने की कोशिश की है जो ये सोचते हैं कि कार्तिक मास कैसे होता है। कार्तिक मास एक ही है, सूर्य के अनुसार अलग, चांद्र मास के अनुसार, पक्ष के हिसाब से 15 दिन का एक पक्ष होता है, उसको कार्तिक मास कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो भी 3 दिन का हो, 30 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं।
तुला राशि पर इस समय सूर्य चंद्र और मंगल तीनों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी राजयोग बना रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए और गूगल के कीजिए और देखिए तुला राशि लिब्रा के ऊपर सूर्य चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है और दूसरा बन रहा है गज केसरी योग। कैसे? सूर्य और बृहस्पति ये भी गज केसरी योग बना दें, चंद्रमा और बृहस्पति की 180 डिग्री पर ये भी गज केसरी योग बनाते हैं। उसके अलावा इतनी बड़ा प्रतापी ग्रहों का कॉम्बिनेशन, तीन ग्रह तुला राशि पर विराजमान और तीन ग्रह इनके ठीक सामने किस तरह से हाथ जोड़ करके बैठे हैं, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, शनि राहु और बृहस्पति तीनों श्रृंखलाबद्ध क्रमशः इनकी जो श्रृंखला होती है और कैसे चल रही है, अगर सप्तम भाव में श्रृंखला बनती है छठा सातवां आठवां तो बहुत खराब बताया। ष्ठे च भौमे भवने सप्तमे राहु भवेत अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवती, यानी के ऐसी स्थिति में तो दाम्पत्य जीवन जीवन साथी को खो बैठता है जब छह सात आठ में कॉम्बिनेशन हो पाप ग्रहों का। लेकिन यहां पंचम शनि मूल त्रिकोण में सबसे मजबूत शक्तिशाली शनि सृष्टि का ब्रह्मांड का स्वामी न्यायाधीश बड़ा मजबूत स्थिति में पंचम भाव में आपकी ज्ञान बुद्धि में इजाफा करता है, संतान के लिए अच्छा शुभ फल देता है, जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा में निरंतर तरक्की देगा और आपको अच्छे अच्छे ग्रेड मिलेंगे जो स्टूडेंट हैं, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा विदेश का योग बनाता है क्योंकि केतु रिसेंटली आया है और द्वादश भाव में ये आपको वीजा पासपोर्ट की तरफ ले जाएगा। अब बहुत आनंद की बात, छठे स्थान में जो आपका कंपटीशन हाउस है, शत्रु रोग मामा ऋण कर्ज परेशानी तनाव चिंता कई प्रकार के जो व्यवधान है जीवन में आते हैं उन सब का विनाश करने के लिए राहु अब आया छठे भाव में। तो जब आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी को प्लेट में रख करके परोसा जा रहा है भाग्य कि हम ग्रह कह रहे हैं शनि राहु केतु कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सम्मान देने के लिए आए हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए। ये बात उन लोगों की समझ में आएगी जिनका भाग्य अच्छा है, जिनका भाग्य अच्छा नहीं है वो क्या करेंगे, है तुला राशि वो कहेगा कि बस घर बैठे सब कुछ मिलना चाहिए, मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म करना जरूरी है, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं, फल तो देगा, तो इसलिए करई वेती चरई वेती चलते रहो और करते रहो तुला राशि के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। मां पार्वती ने कहा शिव से कि प्रभु ये गरीब आदमी जो सड़क पर जा रहा है इसको लड़की की शादी करनी इसको पैसा दो ना। बोले पार्वती क्यों टेंशन ले रही है, ऐसे आदमी की सिफारिश मत कर, ये कर्महीन है ये कर्म नहीं करना चाहता। बोले नहीं तो आप एक काम करो इस रोड पर सोने की पोटली रखवाओ। सोने की पोटली रखवा दी, 15-20 कदम ही अभी दूर थी पोटली उससे, उस व्यक्ति के दिमाग में आया आज सड़क बिल्कुल खाली है, आज ये देखता हूं अंधे कैसे चलते हैं सड़क पर। बस चलने लगा, जैसी पोटली आई उस पर पैर मार करके आगे निकल गया। तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर कर्म हमारे ठीक नहीं है तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा पार्वती देख इसके भाग्य में नहीं थी, ये लात मार करके ठोकर मार के आगे निकल गया है। ठीक इसी प्रकार आपके द्वार पर आपकी तुला राशि पर सारे ग्रह आपको शुभ सम्मान प्यार पैसा प्रॉपर्टी देने के लिए आ गए हैं। उसको कैश कैसे करना है, उनको भुनाना कैसे है, आप प्राप्त कैसे करना है,
तो दिस इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, आप अपने कर्म कीजिए और आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सभी मेरे तुला राशि के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को आशीर्वाद, प्रणाम।